प्रश्नावली 8.1 की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को हल किया है। आज हम पार्ट 4 वीडियो में प्रश्न संख्या 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 है, सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? इस प्रश्न को देखकर क्या लगता है, कौन से सिक्के ज्यादा होंगे या कौन से सिक्के कम होंगे? 2 रुपए के कम है या 5 रुपए के? तो स्पष्ट यहां दिख रहा है कि 5 रुपए के सिक्के कम है, तो हम उसे ही मान लेंगे। तो मान लिया कि पांच रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर एक्स, इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आप देखें 3 गुनी है, तो यानी 3x। प्रश्न से यह कहा जा रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, अर्थात x प्लस 3x इक्वल टू 60, या x प्लस 3x 4x हो गया, 4x इक्वल टू 60। अब इस समीकरण में दोनों ओर हम 4 से भाग देंगे, तो 4x बाई 4 और ये 60 बाई 4, तो हमारा x का मान आ गया 15। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 15 हो जाएगा। इस तरह से 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या, सिक्कों की संख्या हमने x माना था और x का मान आ गया 15, अर्थात ये हो गया 15। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x था, यानी 3 × 15 इक्वल टू 45। तो हमें मिल गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 15 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 45। प्रश्न संख्या 13, जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्याएं क्रमशः 5 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले मान लिया कि रुपया 1 के सिक्कों की संख्या 5x हम मान रहे हैं, तो रुपीज दो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ये हो जाएगी 3x, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये हो जाएगी 2x। प्रश्न से ये कह रहा है कि गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं, अर्थात इन सारे सिक्कों का जो वैल्यू होगा वो मिलाकर 840 होना चाहिए। तो आइए इसे हम जोड़ के देखते हैं। तो पहला हमारा है 1 रुपए के सिक्के, ये कितने हैं? 5x, तो ये 5x रुपए हो गए। अब इसे जोड़ते हैं। दूसरा 2 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 गुना ये 3x, यानी 2 गुना 3x जो आया ये
2 रुपए के जितने सिक्के हैं उनका ये मान है, अर्थात इतने रुपए हैं, और ये 5, तो 5 × 2x है ना, बराबर 840। चूंकि कुल जो रुपए की रुपए हैं वो 840 रुपए हैं, तो 1 रुपए के सिक्के से जो रुपए हो रहे हैं तो वो हो गए 1 × 5x, हमने 1 रुपया से इसे गुना कर दिया। ये संख्या थी 2 रुपए के सिक्कों की, तो इसे हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो इतने रुपए 2 रुपए के सिक्कों के हैं, और ये 2x थे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो इसे हमने 5 से गुना कर दिया, तो ये हमारे हो जाएंगे इतने 5 रुपए के सिक्कों के जो वैल्यू है वो। अब इसे हल करते हैं, ये हो जाएगा 5x, ये हो गया 6x, और ये हो गया 10x, बराबर 840। तो इस तरह से ये 5x जोड़ 6x जोड़ 10x, ये हमारे हो गए 21x = 840। अब इस समीकरण के दोनों ओर 21 से हम भाग दे रहे हैं, तो 21x/21 और ये 840/21। तो ये हमारा x बराबर आ गया, 21 से इसको काटेंगे तो ये 40। तो इस तरह से 1 रुपया 1 के सिक्कों की संख्या ये 5x था, यानी 5 × 40, तो ये हो गया 200। अब ₹2 के सिक्कों की संख्या ये था 3x, यानी 3 × 40, 120। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये है 2x, यानी 2 × 40, ये हो गया 80। तो 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो 200 है उसके गुल्लक में, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या गुल्लक में 120 है, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 है। प्रश्न संख्या 14। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। मान लिया कि कमरे की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, तो कमरे की लंबाई क्या होगी? ये दुगनी है तो 2x होगी, और आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो प्रश्न से इस आयत की परिमाप कितना है? 48 मीटर। तो ये होगा 2 गुना लंबाई हमारे कितना है? 2x, और चौड़ाई x, = यहां दिया हुआ है 48। आइए इसे हल करते हैं। तो ये 2 × 2x और x, ये हो गया 3x, = 48, अर्थात ये 6x/48। अब इस समीकरण के दोनों ओर हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6x/6 और ये 48/6, या हमारा x बराबर आ गया 8। तो इस तरह से कमरे की चौड़ाई
कमरे की चौड़ाई, चूंकि हमने एक्स माना था और एक्स का मान आ गया 8, तो ये 8 मीटर, और कमरे की लंबाई ये 2x था, यानी 2 गुना 8 यानी 16 मीटर। प्रश्न संख्या 15। एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। जो अज्ञात है उसे हम मान लेते हैं चर में। मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में आयत का परिमाप का फॉर्मूला देखा था, आपको याद भी होगा। तो प्रश्न से परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई, तो लंबाई हमने लिया है एक्स जोड़ चौड़ाई, तो चौड़ाई यहां दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इक्वल टू 13। तो पहले से हल करते हैं, 2 और यहां एलसीएम इसका हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2x+5 बराबर 13, अर्थात ये 2 गुना 2x+5/2, तो ये इक्वल टू 13। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 2x+5=13। अब इस समीकरण के दोनों ओर हम 5 घटा देंगे, तो 2x+5-5=13-5, तो ये +5 और -5 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2x=8। अब समीकरण के दोनों ओर यानी बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में हम 2 से भाग दे दे रहे हैं, तो 2x/2=8/2, तो x का मान आ गया 4, अर्थात आयत की लंबाई ये हो गई 4 सेंटीमीटर।